गाइस इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि बॉलीवुड के अच्छे दिन इस टाइम पर चल रहे हैं। जो भी फिल्म मार्केट में आ रही है जनता उस फिल्म को देखने थिएटर तक जा रही है और वो फिल्म बहुत ही अच्छा खासा रुपया पैसा कमा रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर आर्टिस्ट एकदम एक्टिव हो गए हैं और एक के बाद एक नई फिल्मों की अनाउंसमेंट हो रही है। अभी हाल ही में वेलकम 3 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेलकम 3 को लेकर। मैंने अपने इसी चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन सी फिल्म की अपडेट चाहिए, मिशन रानीगंज या वेलकम 3 की, जिसमें लगभग 1600 लोगों ने वोट किया और उसमें से 80% वोट वेलकम 3 को मिले हैं। तो आज की वीडियो वेलकम 3 को लेकर है। यह फिल्म हमें 2024 में क्रिसमस के मौके पर देखने को मिलेगी। इस फिल्म के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, इस फिल्म की स्टार कास्टिंग में बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। वेलकम 3 की स्टार कास्टिंग बहुत ही बड़ी होने वाली है, जो इस फिल्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात दर्शकों को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही है, वो ये है कि इसमें उदय भाई और मंजनू भाई का कैरेक्टर, वेलकम 3 के अंदर उदय भाई और मंजनू भाई का रोल कोई और एक्टर करने वाला है, जिसको लेकर मैं तो क्या मेरे घर का एक छोटा कुत्ता भी ये मानने को तैयार नहीं कि भाई वेलकम के अंदर उदय भाई और मंजू भाई का रोल नाना पाटेकर और अनिल कपूर की जगह कोई और एक्टर करे। तो जनता कैसे मान सकती है भला इस बात को। इस फिल्म के अंदर अनिल कपूर और नाना पाटेकर नजर नहीं आने वाले हैं। वेलकम अनिल कपूर और नाना पाटेकर के बिना अधूरी है। सवाल यहाँ पर ये है, वेलकम 3 से क्यों बाहर हुए अनिल कपूर और नाना पाटेकर। वेलकम 3 में उदय भाई का रोल संजय दत्त और मंजू भाई का रोल अरशद वारसी निभाएंगे, क्योंकि अनिल कपूर ने वेलकम 3 में काम करने से मना कर दिया था। कारण क्या था, वेलकम 3 के लिए अनिल कपूर ने पूरे 18 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। फिरोज नाडियावाला ने अनिल कपूर से बातचीत भी की और लगभग 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन अनिल कपूर ने फिल्म साइन करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद मंजू भाई का रोल अरशद वारसी को ऑफर कर दिया गया। अनिल कपूर की वजह से नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद यह ऑफर संजय दत्त को दे दिया गया। वेलकम 3 की अनाउंसमेंट भी हो गई, जिसके अंदर हमें अनिल कपूर और नाना पाटेकर देखने को नहीं मिले हैं। वेलकम 3 की अनाउंसमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस फिल्म के अंदर नाना पाटेकर और अनिल कपूर नहीं नजर आएंगे, उनकी जगह पर अरशद वारसी एंड संजय दत्त नजर आएंगे। अब यहाँ पर मेरा इस फिल्म के मेकर से सवाल यह है कि बिना मंजू भाई और उदय भाई के क्या वेलकम का नाम लेना भी सही रहेगा। मेरे हिसाब से वो वाला फील ही नहीं आएगा जो कि वेलकम में आया था। और जनता इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि वेलकम के अंदर उदय भाई और मंजू भाई का रोल अनिल कपूर और नाना पाटेकर की जगह कोई और एक्टर करे। इतनी अच्छी स्टार कास्टिंग होने के बावजूद भी ये फिल्म ऑडियंस को अधूरी लग रही है बिना अनिल कपूर और नाना पाटेकर के। अब देखते हैं ये फिल्म साल 2024 में बॉक्स ऑफिस पर क्या उखाड़ती है, क्योंकि दो लीजेंड एक्टर इस फिल्म से बाहर हैं। लीजेंड क्या बल्कि ये कहने दो आइकॉनिक एक्ट्रेस फिल्म से बाहर हैं, जिसका अफसोस मुझे तो है ही। ऑडियंस पता नहीं कैसे इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी या फिर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। अगर अनिल कपूर इस फिल्म में 10 करोड़ रुपया लेकर काम कर लेते तो उनके साथ एक और लीजेंड एक्टर भी इस फिल्म में आ जाते, जिससे इस फिल्म की हाइप ऑडियंस पर और ज्यादा बन जाती और शायद ये फिल्म तब उस कंडीशन में 600-700 करोड़ रुपए बहुत ही आसानी से कमा ले जाती। लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म अपनी लागत का पैसा भी वसूल कर पाएगी, क्योंकि भैया अक्षय कुमार के तो इस टाइम पर बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। इस फिल्म के अनाउंसमेंट जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से इसके प्रोमो को काटा गया, वो सब कुछ देखकर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि भाई सब कुछ ग्रीन स्क्रीन के सामने ही किया गया है। जनता इस फिल्म की स्टार कास्ट को देखकर जितना ज्यादा खुश है उतना ज्यादा नाराज भी है। आप लोगों का क्या कहना है इस फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर, वेलकम 3 उदय भाई और मंजू भाई के बिना पूरी या फिर अधूरी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई सस्ती मद्दी वाली अपडेट के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।